ऐसा कोई भी नहीं है जो हारना चाहता हो। हम सभी गोल्स बनाते हैं, हर साल की पहली तारीख आते ही हम कई तरह के डिसीजन लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, काम करने का पूरा सिस्टम बना लेते हैं, पर 10 तारीख तक सारा बुखार उतर जाता है। मेहनत करने की सारी आग, सारा मोटिवेशन सब खत्म हो जाता है। पर कभी सोचा है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक लेती है? एक्चुअल में 5 चीज़ों की कमी है आपके अंदर, जिन्हें अगर आपने सुधार लिया तो ऐसा कभी नहीं होगा। नंबर 1, प्लानिंग की कमी। अधिकतर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग की कमी होती है। फोकस कैसे कर पाओगे अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है ही नहीं कि कब क्या करें, तो कैसे होगा काम? देखो, अगर वेट लॉस करना है तो अपने दिमाग को ये मत बताओ कि वेट लॉस करना है, उसे स्पेसिफिक टास्क बताओ कि कल से ये काम करने हैं, तब जाकर काम हो पाएगा। यानी कि एग्जैक्ट प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या करना है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग की कमी। कई लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, या तो वो चीज़ों को समझते ही नहीं है या उस पर गलत तरीके से काम करते हैं। इसलिए आज से ही सबसे पहले सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। नंबर 3, फोकस की कमी। प्लानिंग आप कितनी भी कर लो, पर अगर आप किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर सकते, लगातार उस पर फोकस्ड नहीं रह सकते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। आप केवल प्लानिंग करते रहेंगे, अगर उस पर फोकस करके काम नहीं किया तो क्या ही मतलब होगा प्लानिंग करने का। ये बात सही है कि प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि अगर प्लान होगा ही नहीं तो क्या ही काम करोगे। पर अगर उस प्लान पे, उस काम पे फोकस ही नहीं किया, तो प्लानिंग कभी कोई काम नहीं होगा। नंबर 4, डिसिप्लिन की कमी। कोई भी प्लान कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आप उसे डेली यूज़ नहीं करते हैं तो वो प्लान बेकार है। अगर एक टाइम टेबल है जिसे डेली फॉलो करना है, तो वो टाइम टेबल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे डेली फॉलो ही नहीं करते हैं तो वो बेकार है। और डेली फॉलो करने के लिए आपका डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अच्छा टाइम होगा, कभी बुरा होगा, कभी ठंड तो कभी गर्मी, पर हर एक सिचुएशन में अगर आप सेम हो, मतलब काम करते रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, हंगर की कमी। अगर आपके अंदर ये इंटेंशन ही नहीं है कि मुझे सक्सेस चाहिए या मुझे अपने गोल को पाना है, तो मिल भी नहीं सकता। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये जीतने की चाहत अगर आपके अंदर है ही नहीं, तो वो चीज़ आपको सच में कभी नहीं मिल सकती। अगर वो भूख ही नहीं है तो छोड़ दो। जब सच में लगे और इतना स्ट्रांगली लगे कि बस चाहिए ही चाहिए, तो उस चीज़ को पाने के लिए आप हर एक चीज़ कर लोगे। भूख का खेल है, जिसके अंदर जितनी बड़ी भूख होगी ना, वो उसे पाने के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। और जिसके अंदर हंगर ही नहीं है, चाहत ही नहीं है, वो कभी नहीं पाएगा। तो अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ डट के खड़े हो जाओ कि ये नहीं तो कुछ नहीं।